हमारे साथ आज जो हमारी मेहमान है उनमें एक खास बात है कि उनको जो कुकिंग पसंद है वो ट्रेडिशन से जरा हटके है, यानी हमारे आज के एपिसोड जो है फ्यूजन कुकिंग स्पेशल, इसके लिए वो एकदम परफेक्ट हैं। तो चलिए मुलाकात कर लेते हैं प्राची गोयल जी से। नमस्कार प्राची जी, स्वागत है आपका रस्म रसोई में। थैंक यू प्राची जी। कुकिंग में आपकी रुचि कैसे डेवलप हुई? मैं पहले कुक नहीं थी, बट मेरी 3.5 साल की एक डॉटर है, सो मैं चाहती कि वो सब खाना अच्छे से खाए, तो उसके लिए मैंने खाना इनिशियली स्टार्ट किया बनाना। तो चलिए देख लेते हैं प्राची जी, आज आप हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं? आज हम बना रहे हैं बिग भरवा बैंगन। इसके लिए हमें चाहिए 6 बैंगन, ग्रेटेड चीज, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी दाना, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हल्दी, नमक और नींबू का रस। ओके, बनाना शुरू करते हैं इसे। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा? पहले हम रिफाइन ऑयल डालेंगे कढ़ाई में। ओके, तो आपको एक कढ़ाई चाहिए? कढ़ाई चाहिए। तो इसकी फ्लेम ऑन कर देता हूँ मैं। तेल डाल दीजिए आप, 1 से 2 बड़ा चम्मच तेल डालिए। ओके, तो प्राची जी तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। तो यहाँ पर कितनी प्याज है हमारे पास? ये 2 प्याज हैं। 2 प्याज हैं, ठीक है। तो इसको भून लें थोड़ी देर। इसको भून लें। तो अब प्याज हल्की हल्की ब्राउन हो गई है जैसा आपने कहा था। हाँ। प्राची जी अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। ओके, और हमारे पास 1 टमाटर है करीब। या ठीक है, तो इसको भी हमें अच्छी तरह पकाना है टमाटर को। टमाटर को पकाना है। ओके, आई थिंक ये हो गया, अब इसको हल्का कर दीजिए। ठीक है, तब तक हम बैंगन स्लिट करके इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। चलिए वो भी कर लेते हैं। ये हमें ग्राइंड रोस्ट करना है पहले। पहले रोस्ट करना है। हाँ। ठीक है, सबसे पहले डालेंगे जीरा। जीरा 1 बड़ा चम्मच जीरा भी डाल लिया। 3 चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ। ओके, और 1/4 चम्मच मेथी दाना। जब ये रोस्ट हो जाएगा फिर हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। ओके, तो प्राची जी ये मसाला भुन चुका है, गैस बंद कर दूं इसकी? गैस बंद कर दीजिए। और ये टमाटर? टमाटर का भी हो गया है, इसको भी बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमें इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करना है। चलिए इसे ग्राइंडर में डाल लेते हैं। ये हमारा ग्राइंड हो गया है मसाला। ओके, प्राची जी अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमें ये बैंगन स्लिट करने हैं 4 टुकड़ों में, मतलब तोड़ना नहीं है, हमें स्लिट करना है। अच्छा, स्लिट करना है। नीचे तक नहीं काटना है क्योंकि हमने इसे भरना है। ओके, ये हमने काट के रखे हैं पहले से। ओके, अब हम इसमें मसाला भर सकते हैं। ठीक है, तो मसाला इसमें डाल लेते हैं। मसाला इसमें डाल लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, हमने इसमें नमक डालना है। ओके, 2 चम्मच या स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, कई लोग कम खाते हैं नमक। जी, हल्दी 1 चम्मच। ओके, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 चम्मच। ओके, अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और नींबू डालना है इसमें 2। नींबू का रस भी डालना है? हाँ, 2 चम्मच। 2 चम्मच। ओके, इसको मिक्स करके अब हम ये मसाला बैंगन में भरेंगे। इसको अच्छे से फिल करिए। और थोड़ा सा नींबू का रस डालने से ये हुआ कि इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ गई। बाइंडिंग आ गई क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड आ गया। और इसी तरह हम सारे के सारे बैंगन भर लेंगे। ठीक है, बैंगन भी हमने भर लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब इसमें फिर से हम थोड़ा तेल डालेंगे। इसी पैन में? पैन में। हाँ। ठीक है, जो थोड़े ऑयल कॉन्शियस है वो थोड़ा कम डालें। तेल गरम होने के बाद हम इसमें बैंगन डाल देंगे। ओके, तो प्राची जी तेल गरम हो चुका है, तो प्राची जी इसे अगर हम थोड़ी देर ढक दे तो ये बैटर कुक हो जाएगा। बैटर कुक हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कितनी देर के लिए इसे ढक के पका दें? 5 मिनट्स, फिर उसके बाद हम साइड बदल देंगे इसके। ठीक है, फिर 5 मिनट तक, फिर हम इसको मसाले में ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है। 5 मिनट हो गए, हम इसे पलट लेते हैं। ओके, पलट दिया, तो अभी फिर से ढक दें? थोड़ा सा और ढक दो। ठीक है, और ये भी करीब 3-4 मिनट तक? हाँ, 3-4 मिनट तक। ठीक है, बैंगन पक चुके होंगे, अब हम इन्हें निकाल के टमाटर और प्याज के मसाले में डाल देंगे। ओके, तो ये जो मसाला हमने बनाया इसमें डाल दें? हाँ। ऑलराइट, इसको अब चला लीजिए। हम ये थोड़ा साथ में पकाएंगे ताकि वो थोड़ा और फ्लेवर अंदर चला जाए प्याज टमाटर का। ठीक है,
तो चलिए मसाला और बैंगन अच्छी तरह गर्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा प्राची? अब इसको हम बेकिंग डिश में डाल लेते हैं। ओके। इस पे थोड़ा चीज स्प्रिंकल कर देंगे तभी तो होगा फ्यूजन। अरे हाँ, अभी तक तो हमने सब कुछ वही किया जो कि एक नॉर्मल भरवा बैंगन के लिए इंडियन कुजीन में किया जाता है, लेकिन अब इसके ऊपर असली फ्यूजन हो रहा है, तो इसे अब हम बेक करेंगे। तो बेक कब तक करेंगे इसे? बेक 2 से 3 मिनट। चीज मेल्ट करना है। चीज मेल्ट करनी है तो मैं इसे अवन में रख दूं? अवन में रख दीजिए। ओके। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। चीज को पकने में वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन प्राची जी से पूछ लेते हैं कि डिश रेडी है तो उसको हम अवन से निकाल लेते हैं। डिश रेडी है, चीज थोड़ा ब्राउन हो गया है, अब हम उसे ला सकते हैं। ले आऊं? या। ठीक। ये भरवा बैंगन बेक तो काफी अच्छा सिजलर है, इसके अंदर से तो काफी सिजलिंग हो रही है। चीज एकदम मेल्ट हो चुकी है, ब्राउन हो चुकी है, बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। Is it ready to serve? Yes, ready to serve, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा रिच लग रहा है, तो नॉर्मल तो आप बना ही सकते हैं घर में, फॉर अ पार्टी आल्सो आप ये बना सकते हैं। तो मेरे घर में जब नेक्स्ट पार्टी होगी मैं इसे जरूर ध्यान में रखूंगा, और आप लोग भी इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इसकी रेसिपी नोट करें। बेक्ड भरवा बैंगन। बेक्ड भरवा बैंगन बनाने के लिए आपको चाहिए बैंगन 6, ग्रेटेड चीज 1 कटोरी, कटे प्याज 2, कटे टमाटर 2, जीरा 1 बड़ा चम्मच, साबुत धनिया 3 बड़े चम्मच, सौंफ 1 बड़ा चम्मच, मेथी दाना 1/4 छोटा चम्मच, कटी हरी मिर्च 2 छोटे चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, तेल 5 बड़े चम्मच, हल्दी 1/2 छोटा चम्मच। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक पैन में तेल गर्म करें और प्याज और टमाटर भूनें। एक और पैन में जीरा, धनिया, सौंफ और मेथी दाना भूनें। खड़े मसालों को ग्राइंड करें। एक बर्तन में पिसे मसाले, नमक, हल्दी, हरी मिर्च और नींबू का रस मिलाएं। बैंगन को स्लिट करें और ये मिक्सचर इसमें भरें। एक पैन में तेल गरम करें और बैंगन ढककर तलें। अब बैंगन निकालकर प्याज और टमाटर के साथ पकाएं। ऊपर से ग्रेटेड चीज डालें और बेक करें। सर्व करें गर्मा गर्म।